सर कितने प्रवासी आज गांव के लिए रवाना हो रहे हैं? बड़े भाई आज 1000 लोग जा रहे हैं अपने बिहार के लिए। यस। और एक बसों में कितने लोगों को आप लोग बिठा के भेज रहे हैं? बस 30-30 लोग भेज रहे हैं। अच्छा सर, यूपी के लिए कब जाना है उनका? यूपी का अभी वहाँ से ट्रेन जब भी मंजूर हो जाएगा वैसे ही यहाँ से लोगों भेज देंगे। अच्छा, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को कहीं पे शिफ्ट किया जा रहा है? नहीं, शिफ्ट नहीं, यहाँ से स्टेशन भेज रहे हैं उन लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो सीनियर पीआई थोराट सर है, उन्होंने कहा कि यहाँ से लोग थाना स्टेशन जा रहे हैं जहाँ पे इनको जो है वहाँ से ट्रेन मिलेगी बिहार के लिए, और ये एक बस में जो है सिर्फ 30 लोगों को ही अलाउड कर रहे हैं। और आज कम से कम 1000 लोग जो है यूपी के लिए, अरे बिहार के लिए अपने ट्रेन से जो है ये अपने गाँव अपने वतन पहुँच जाएंगे, जिसका हम यहाँ से कुछ विजुअल दिखा रहे हैं जो देख सकते हैं आपकी मुमरा पुलिस चौकी के पास से ये सारी बसें NMT की बसें जो लगी हुई हैं, ये TMT की बसें लगी हुई हैं जो इनको थाना स्टेशन तक ले जा कर के छोड़ेंगी। और यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ भी हैं और यहाँ कुछ सोशल वर्कर लोग भी हैं, जैसे सज्जा हुसैन के की जानिब से यहाँ पर जो है पानी का भी तकसीम किया जा रहा है। सज्जा हुसैन के वॉलंटियर लोग जो है देखिए किस तरह से लोगों में पानी भी तकसीम कर रहे हैं। तो आइए हम सज्जा हुसैन के जो वॉलंटियर हैं उनसे भी कुछ बात करेंगे। हम लोग महफूज अपार्टमेंट से आए हैं, मुमरा खड़ी मशीन रोड से, और जो है यहाँ पानी की बहुत किल्लत है और जो बसें जा रही है उसके अंदर पब्लिक बैठी हुई है, धूप बहुत है और हमारा काम है जो पानी पिलाना। आपकी तो संस्था है? हाँ जी, हमारी अंजुमन है सज्जा हुसैन, और सज्जा हुसैन वाले लोग हम लोग मिल के ग्रुप जो है काम कर रहे हैं। आज तकरीबन हमारा 3रा दिन है और हम 3 दिन से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्या क्या तकसीम किया है? हमने आज से पहले जो है पानी तकसीम किया है, बिस्किट टोस वगैरह पानी है, और जो फ्रूट फल है जितना भी खाना है, कल 150 पैकेट खाना हम माझीवाड़ा लेके गए थे और माझीवाड़ा में भी हम लोग ने बहुत सारा खाना बांटे है। और यहाँ पब्लिक बहुत ही परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है, और खुदाफिज़ दुआ करो इन लोग के लिए, ये लोग अपने घर सलामत पहुँच जाए, और इतनी धूप की शिद्दत में इनकी मदद में आओ थोड़े, और आगे जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट करो, और हो सके तो कम से कम थोड़ी बहुत मदद इनकी करो, उनकी तरफ ध्यान करो। खुदाफिज़। जैसा कि आपने देखा कि ये जो वॉलंटियर थे ये सज्जा हुसैन अंजुमन सज्जा हुसैन की तरफ से थे, इन्होंने कहा कि जो है जो भी यहाँ के मुमरा के जो लोग भी हैं जो इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो इनकी इनके गांव जाने के साथ साथ इनकी कुछ मदद भी करें, ताकि इनको रास्ते में भी किसी तरह की कोई परेशानी खाने पीने की ना हो। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है फैमिली भी खड़ी है जिनमें छोटे बच्चे भी हैं जो कड़ी धूप में अपनी अपनी बसों में बैठने का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि ये यहाँ पर कब से आए हैं। आप कब से आए हो आप यहाँ पर? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से? तो आपकी बस अभी नहीं लगी है क्या? जी नहीं। कहाँ जाना है आपको? बिहार। तो आपको क्या बताया गया अभी? अभी तो कुछ भी नहीं बताया। जैसा कि देख रहा हूँ मैं कि यहाँ बसों में सब लोग बैठ चुके हैं लेकिन आप लोग अभी भी बाहर हो। हाँ, तो सुबह से बैठी हुई है, कहाँ कुछ बताया। मेडिकल वगैरह सब क्लियर है? जी। तो आपका अभी नंबर नहीं आया क्या? जी नहीं। कुछ बोला है इन लोगों ने? हम बोले हैं कि आएगा नंबर लेकिन आया नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने इन लोगों को बोला है कि अभी इनका नंबर नहीं आया, जिसका नंबर आ गया है वो अपनी बसों में जा कर के अपनी जगहों पे बैठ चुके हैं। यहाँ हमारे साथ में कुछ नौजवान लड़के भी, उनसे भी हम पूछते हैं वो कहाँ के हैं। कहाँ के हो भाई आप लोग? जी बिहार के। बिहार के हो जी? आप लोगों को अभी तक बस में बैठाया नहीं क्या? जी अभी तक नहीं बैठाया। क्या बोला गया आप लोगों को? बोला अभी तो कहाँ सीरियल बाई नंबर चल रहा है, मतलब जिसमें मान लीजिए कि 30 आदमी है, 30 आदमी का ग्रुप बन रहा है, उसमें से 28 आदमी 27 आदमी 26 आदमी तक जो हैं आपके वही जा सकते हैं, बाकी मतलब जो नहीं है। बाद में नंबर आपका आएगा बोला? हाँ बोला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम भाई गोंडा के हैं। गोंडा के हो? हाँ, अभी आया था 2 दिन से दौड़ रहे हैं, अभी जाने का कोई बोलते हैं यूपी का ट्रेन कैंसिल हो गया। यूपी का तो खैर अभी तक डिले किया गया है, ये तो हमें भी पता है हमारे मीडिया के माध्यम से। कब चालू होगा कभी नहीं होगा मालूम नहीं। जब तक यूपी की सरकार वहाँ से कोई परमिशन नहीं देती है या वहाँ की रेलवे डिपार्टमेंट से कोई परमिशन नहीं आती, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ ऐसी थी जो डिले कर दी गई है, तो 3-4 दिन जब देखो तब यहाँ बुलाते हैं फिर नहीं चालू होती। लेकिन आज तो उन लोगों ने उनको ही बुलाया है जो बिहार वाले लोग? नहीं, सुबह बुलाए थे, सुबह यूपी में बुलाए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर बाद में बोले अभी आया धूप में तो बोलते हैं नहीं है, अब जाओ।
तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ ऐसी गाड़ियां हैं यूपी के लिए, और यूपी वाले भी बहुत परेशान हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि बुलाया गया सुबह में, लेकिन किसी कारण से गाड़ियां रद्द कर दी गई, इसके लिए वो बेचारे यहाँ पर आज फिर जो है खड़े रह गए। तो हमारी फिर प्रशासन से एक बार अपील है कि इन यूपी वालों का भी साथ दें, और यूपी वालों को भी जल्द से जल्द उनके गांव उनके घर भेजे हैं। हम ऐसी मुमरा की ऐसी पुलिस को सलाम भी करते हैं, और उनके जज्बे को भी सलाम करते हैं कि ये भी अपनी फैमिली छोड़ करके लोगों के लिए कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी चैनल की तरफ से भी आप लोगों से अपील है कि ऐसे पुलिस वालों के जज्बे को सलाम करें और उनके हौसलों को बढ़ने के लिए दुआ करें। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी जो दिहाड़ी मजदूर और जो गरीब लोग जो है अपने बिहार जाने के लिए उनको बुलाया गया था, कुछ गाड़ियां थाना गई थी, लेकिन दोपहर में जो ट्रेन थी वो कैंसिल करके शाम के 7 बजे की ट्रेन कर दी गई है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और हमारे साथ में बस के ड्राइवर भी हैं और हमारे साथ में बस के कंडक्टर वगैरह भी हैं। आइए हम इनसे ही बात करते हैं कि ये लोग गाड़ी लेकर के गए थे या नहीं। सर, गाड़ियां जो सुबह में भरी गई थी वो गाड़ियां थाना तक गई थी? हाँ, थाना तक बस गई थी, कि दोपहर के ट्रेन था तो इन लोगों की सुविधा के लिए बस यहाँ पे 25 बस छोड़ा है जी। लेकिन स्टेशन जाके बस वापस आया कि वो दोपहर का ट्रेन कैंसिल हो गया है। तो अभी किन वजह से कैंसिल की गई, कुछ जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं है सर, अभी कुछ जानकारी नहीं है जी। जैसा कि इनका कहना है कि जो दोपहर की ट्रेन थी बिहार के लिए, वो ट्रेन जो है कैंसिल करके जो है शाम के 7 बजे बताया गया है। जिस तरह से हमारे मुमरा के सीनियर PI कन्हैया थोराट जी जो है हर बसों में जा करके लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि दोपहर की बस कैंसिल कर दी गई है और शाम की बस जो है शाम में आपकी ट्रेन का टाइम दिया गया है। उस इंस्ट्रक्शन के साथ में उनका ये भी कहना है कि आपके जो ग्रुप हैं उन ग्रुप को साथ में बनाए रखें और कहीं भी छाँ में आप बैठ जाएँ, क्योंकि ये जो बसें हैं ये शिफ्ट वाइज चलती है, तो जो भी इस दोपहर की शिफ्ट थी उनकी ख़त्म हो चुकी है। अभी ये बसें जो है शाम में वापस आएंगी और इन लोगों को इनके स्थान यानी थाना स्टेशन तक लेके जाएंगी। तो हमारी इन दिहाड़ी मजदूरों से भी अपील है कि आप घबराइए मत, जैसा आपको बोला गया है कि शाम में आपको ट्रेन से भेज दिया जाएगा। तो यहाँ के जो भी सरकार, यहाँ के जो भी प्रशासन है उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज इतने दिनों के बाद जो है बिहार के लिए जो भी ट्रेन चलाई गई है, कम से कम जो भी बिहारी यहाँ से जा रहे हैं, बिहारवासी जा रहे हैं, उनको हम तहे दिल से और उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि और उनके लिए हम दुआ भी करते हैं कि इनको रास्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे चैनल की तरफ से सरकार से अपील है कि ये जो भी बेचारे यहाँ से जा रहे हैं उनको रास्ते में या कहीं पर भी उतरने के बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और ना ही इनको किसी तरह की कोई तकलीफ दी जाए।